यहाँ से ये कुरान मजीद और जय नमाज का सेट बना हुआ ये रहने लगे हैं। ये चोई बा ये लिख रहा है ये चोई बा टी ए डब्ल्यू डब्ल्यू बी कर लो गूगल कर लो नेम इंग्लिश अरबी 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 लिख दा उर्दू अंगल उर्दू में फिर यही होगा ते अब इंटरनेट पे सर्च करो यार। तो ये री अजवा खजूर जिसका मुझे पता था नाम और ये है सगाई इसका मुझे नाम याद हो गया ब्रदर गूगल हला अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। टुडे इज 6 मार्च एंड इट्स 10 o'clock। अभी हम हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम पेश कर आए हैं और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाज़ार देखने के लिए शॉपिंग वगैरह करने के लिए तो हाइप वगैरह देने वो लेने के लिए तो अब हम उधर जाएँगे। माशाल्लाह अलहम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम या सैयदी या रसूलल्लाह और ये जा रहे हैं अबू अम्मी अंकल और आंटी। अम्मी अबू ने अपनी पिक्चर मुझसे ली है कहा कि हमारी ग्रुप फोटो भी लो सोलो भी लो और किसी ने मुझे कहा ही नहीं कि तुम खड़ी हो तुम्हारी भी पिक्चर ले लें। दिस इज़ नॉट कूल बट खैर कोई बात नहीं। ओके गाइस तो अभी हम मस्जिद से बाहर आ गए हैं और अब हम देखते हैं कि हमने किस जगह पे जाना है और क्या ख़रीदना है। अभी हम इधर जा रहे हैं ये कुछ है जमजम पुल मॉल कोई मॉल है इधर चलते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं तस्बीह वगैरह। इज़ माई फेवरेट प्लेस सब यहाँ पर खजूरें देख रहे होते हैं और मेरी पूरी नज़र सिर्फ चॉकलेट्स पे होती है बिकॉज आई लव चॉकलेट्स तो बस मेरा फोकस उन्हीं पे होता है। ये भी 40 वो भी 40 ये प्यारी लग रही है कोई 7-8 किस्म की खजूरें दिखाई हैं जिसमें से सिर्फ मुझे एक का नाम आता था और वो है अजवा बाकी इतने मुश्किल नाम थे और वो हमें चेक करा रहे थे और कहते हैं आप टेस्ट करें आपको सारी डिफरेंट लगेंगी और हम लोग कह रहे थे कि मतलब इतनी सारी टेस्ट कर लेंगे हमें सबकी एक ही जायका लग रहा है मतलब मेरे लिए वो सारी खजूरें ही। इतनी किस्म की खजूरें मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और अभी फिर पीछे अंकल आंटी अम्मी और अबू जो है ना खजूरें ही देख रहे हैं मतलब मुझे लग रहा है कि आज हमारी खजूरों की शॉपिंग होगी और मार्केट विज़िट कर रहे हैं फिर इंशाल्लाह कल तक फाइनल हो जाएगा कि हमने कौन सी खजूर लेनी है और कितनी क्वान्टिटी में लेनी है। ओके गाइस तो ये री अजवा खजूर जिसका मुझे पता था नाम और ये है सगाई इसका मुझे नाम याद हो गया और अंकल बता रहे थे कि जो ये खजूर है ना सगाई ये शुगर पेशेंट आराम से खा सकते हैं क्योंकि इसमें मीठा थोड़ा कम होता है बनिस्बत बाकी सब खजूरों के। और अब तो मेरा टेस्ट करने का भी बिल्कुल दिल नहीं मेरे दांत जो है ना वो मीठे हो गए हैं मतलब मैक्सिमम 3-4 खजूरें बहुत होती हैं मुझे चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं चाय के साथ मैं खा सकती हूँ लेकिन वो भी 3-4 मोर देन इनफ होती हैं और अभी 7 किस्म की खजूरें हैं तो 7 भी एक एक खाई तो किधर बात जाती है हमारे दांत जो है अच्छे खासे मीठे हो गए मैंने पानी पिया काफ़ी सारा। थक गई अम्मी जी फिर आप जाके खजूरें क्यों नहीं चेक कर रही सब खजूरें चेक कर हम सब ने बहुत खा लिया हमारा जो है ना अच्छा खासा मुँह मीठा हो गया। मैं और अम्मी यहाँ पर बैठ गए अभी अंकल आंटी और वो खजूरें चेक कर रहे हैं। ओके वाइल वेटिंग वी आर हैविंग सम सूरजमुखी के बीन्स जो बहुत मज़े के होते हैं लेट्स हैव इट। ओके वी आर क्रेविंग फॉर सम बिरयानी और वो भी स्पाइसी तो हम इस नई जगह को ट्राई करने के लिए आए हैं होप सो कि अच्छी होगी यहाँ की बिरयानी। पाऊँ मेरा मरबा डरा दिया है और मरबा से जो है ना कोई चीज़ भी डिसाइड नहीं हो रही है बिरयानी का ऑर्डर दे के भी अभी तक मेन्यू कार्ड लेके बैठी हुई है और सलाद और दही और ये क्या है वॉट इज़ दिस ये तो दही है ये पता नहीं क्या है नहीं नहीं रायता नहीं लग रहा लेट्स ये भी खाएंगे तो पता चलेगा कि ये क्या है और ये जगह ही ऐसी
इट लुक नाइस। ओके गाइस, चुप हो जाओ। ओके गाइस, तो बिरयानी आ गई है एंड इट लुक सो नाइस। अब ज़रा खा के देखते हैं कि ये कैसी है। ओके, माय प्लेट इज रेडी, लेट्स हैव इट। कैसी लगी बिरयानी? मेहरबा बिरयानी बस ठीक है, अच्छी थी। एक्स्ट्रा दे दिया ना, बहुत अच्छी है। ये जितनी बिरयानी थी उतनी एक्स्ट्रा दी उसने। हाँ, उतनी ही सर्विंग दोबारा आई थी। उतनी ही माशाल्लाह होते हैं, हमें तो नहीं पता था। सऊदीया में भी होते हैं, सिस्टर सिस्टर कह के कहते हैं। गाइस, आज हम शॉपिंग का दिन मना रहे हैं जरा। ओके गाइस, हम यहाँ से ये कुरान मजीद और जय नमाज का सेट बना हुआ ये लेने लगे हैं। यू नेम? यस। वन वन ओके, व्हाट नेम? कुरान भी कह रहा हूं। दुबिया लिख के दिखाओ ना हाथ से। हां सही करके 12 बजे नहीं दे, ये है होती है। हां अब वो मेरे पास नहीं दिखाएं तुम्हें। हां तबीबा लिख के दिखाओ, वो तो मुझे भी लिख रहा था। तबीबा सर्च कर रहा हूं ना इंग्लिश। तबीबा ते वे वाओ। हां बेशक ते से होता हो, ये तो तो ऐसे ना होता हो। नहीं, 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 ये नहीं है ते वाओ गया है ना। नहीं नहीं तबीबा नहीं है, ते वाओ नहीं है। स्कूल एम ए उर्दू, एम ए उर्दू। ओके ओके, पर वो उर्दू भी नहीं आता। आई नहीं आता तो फिर इंग्लिश चला। मुझे लगता है नहीं ना, ऐसे नहीं नहीं मुझे लग रहा है तो ही आती है। ये तो तू बा बन गया। हाँ। ये चोईबा, ये लिख रहा है। ये चोईबा TAWWB कर लो, गूगल कर लो। नेम इंग्लिश या अरबी? इंग्लिश। अरबी अरबी लिख दे। उर्दू अंगल उर्दू में फिर यही होगा ते। अब इंटरनेट पे सर्च करो यार, गूगल आए ना। ब्रदर गूगल हला इन उर्दू। ओके गाइस, हमें तबीबा का नाम उर्दू में लिखना नहीं आ रहा। तवीज दे रहा है इधर दो। तवीज गंदा, इंटरनेट यूज करना है। शुबे जी भाई से गोल्डन भी बनना है। कुरान जो भी है सज्जादा वो बताती हूं। ये बुजी बोरा का खा लो एक तो। तबीबा नहीं आ रहा, तैयबा आ रहा है। कुरान इट्स 2:48 और अभी हम सेकंड दूसरी शॉप पे आए हैं और बस मेरी एनर्जी लेवल यहाँ पर ख़त्म हो गया है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम लास्ट 2 डेज। और अभी हमारी शॉपिंग शुरू हुई है और मेरा ये हाल हो गया है। लेट्स सी हम शॉपिंग कैसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हम थोड़ी सी परफ्यूम्स देख रहे हैं। डन विद शॉपिंग और अभी असर होने वाली है तो हम दोबारा वापस हरम जाएंगे और जो कसर रह जाएगी वो बाद में पूरी कर लेंगे। वक्त सर्दी लग रही है मुझे और मैं अभी स्वेटर पहन कर आई हूँ और हवा भी चल रही है और शायद मुझे बुखार इस वजह से ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन अभी बरबा को भी लग रही है, इसका मतलब कि वैसे ही मौसम ज़्यादा ज़्यादा ठंडा हो रहा है। हम अभी जा रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए। लेट्स गो एंड हैव सम डिनर।